एवरीवन, तो मेरा पहला वीडियो डिक्शन पे होगा जो आपको सही प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा और जिसके कारण आप अपने शब्दों पे पकड़ बना पाएंगे। मेरा सपना टीवी पे आने का। इस सपने ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक एक्टर बनने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती है, इन बातों को मैंने जाना है जो मैं आज आपको बताऊंगी। एक एक्टर बनने के लिए आपका डिक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपका फेस एक्सरसाइज, ये सारी बातें बहुत जरूरी थी जो वक्त के साथ मैंने सीखा। पर इस वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को सिखाना चाहती हूँ जिनके दिल में एक्टर बनने का जज्बा है। डिक्शन, ये वर्ड सुनने में बहुत नया होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन इस वर्ड से हम अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ सुधार लाते हैं। डिक्शन का मतलब होता है अपने शब्दों पे पकड़, उसके उच्चारण पे पकड़, और छोटी छोटी गलतियों के कारण किस शब्द का क्या अर्थ बदल जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम एक कदम उठाते हैं और डिक्शन की जर्नी पे चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, प्रोनाउंसिएशन पावर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था डिक्शन को लेके, कि आप एक्टर हो, नॉर्मल लाइफ में भी हो, तो भी डिक्शन पे पकड़ होना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसी जरूरी से मुझे दो शब्द मिलते हैं और वो है ज, और इसी ज के ऊपर जब नुक्ता लग जाता है तो वो बन जाता है ज, दैट इज ज और ज। जब हम ज से बात करते हैं तो वो होता है जदी, जमाना, जुगाड़, जहाँ, और जब हम ज की बात करते हैं तो होता है जरा। आपने वो गाना सुना होगा, जरा जरा बहकता है, उस गाने में उन्होंने यूज किया है वर्ड जरा। फिर जरूरत, मुझे तेरी जरूरत है। फिर जमाना, जमाना का मतलब होता है दुनिया, सोसाइटी, समाज, और जब हम बात करते हैं जमाना, जमाना यानी दही जमाना। जब हम बात करते हैं जलील, जैसा कि हमने पहला वर्ड लिख रखा है यहाँ पे, जलील, जलील का मतलब होता है पूजनीय, जिसका आदर करते हो, और जब हम बोलते हैं कि बड़ा ही जलील इंसान है तो जलील का मतलब होता है नीच, गिरा हुआ इंसान। एक नुक्ते ने एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी बदल दिया और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बदल दिया। अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगी और आपके ज और ज दोनों ही शब्दों पे कमांड बनाने में हेल्प करूंगी।